संयुक्त अरब अमीरात अपनी शानदार इमारतों के लिए पहले से ही जाना जाता है। दुबई और राजधानी अबू धाबी की इमारतों को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। दुबई में तो ऐसे ऐसे निर्माण हुए हैं जिनको असंभव ही माना जाता है, जिनमें पाम आइलैंड जैसे निर्माण भी शामिल हैं। एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी। इसके निर्माण में करीब 2900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो आने वाले सालों में दुबई एयरपोर्ट की सारी गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट कर दी जाएंगी।